बिहार का बेहतरीन कारीगरी और खास किस्म के मुलायम कपड़ों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर कश्मीरी शॉल को अब चंपारण में भी तैयार किया जाने लगा है। कुछ समय पहले तक इसे देश के कुछ गिने चुने राज्यों में ही तैयार किया जाता था, लेकिन अब बिहार में इसका उत्पादन शुरू हो गया है। दरअसल बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के चनपटिया में बड़े पैमाने पर बेहतरीन किस्म के कश्मीरी शॉल बनाए जा रहे हैं, जिन्हें देश के कई राज्यों में सप्लाई किया जा रहा है। बता दें, बड़ी बात यह है कि सर्दी के सीजन में अब तक लगभग 1 लाख कश्मीरी शॉल अमृतसर, श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर तक सप्लाई किए जा चुके हैं। वैसे तो चनपटिया स्टार्टअप जोन में कुल 57 यूनिट्स हैं, जिनमें अलग अलग चीजें तैयार की जाती है, लेकिन इनमें से 2 यूनिट्स में खास तौर पर कश्मीरी शॉल बनाया जाता है। दूसरी यूनिट की बात करें तो दोनों यूनिटों में अलग अलग डिजाइन वाले शॉल तैयार किए जाते हैं। बता दें, पहले यूनिट में कम कारीगरी वाले शॉल बनते हैं और वही दूसरी यूनिट में बारीक कढ़ाई तथा डिजाइन वाले बनाए जाते हैं। पहले यूनिट में हर दिन लगभग 80 से 90 शॉल तैयार कर लिए जाते हैं, वहीं दूसरी यूनिट में हर दिन 60 से 70 यानी कुल करीब 150 के आसपास तैयार किया जाता है। ऐसे में डिजाइन वाले एक शॉल को तैयार करने में 6 से 7 घंटे से भी ज्यादा तक समय लग ही जाता है। आपको बता दें, कम डिजाइन वाले एक शॉल को तैयार करने में कपड़े, धागे, साथ में अन्य चीजों को लेकर लगभग 300 से 350 रुपए की लागत आती है। इन्हें बाजार में 400 से 450 रुपए के थोक कीमत पर बेचा जाता है। वहीं महीन कारीगरी वाले एक कश्मीरी शॉल को बनाने में कपड़ा तथा धागा सहित कुल लगभग 450 से 600 रुपए तक की लागत आती है। इन्हें थोक बाजार में 700 से 800 में बेचा जाता है। साथ ही आपको बता दें, इन यूनिटों में नॉर्मल शॉल, स्टोल और दुपट्टे भी बनाए जाते हैं, लेकिन सर्दियों के सीजन में विशेष रूप से कश्मीरी शॉल का काम होता है। आपको साथ में इस बात की भी जानकारी दे देते हैं कि लॉकडाउन के पहले वो भी दूसरे राज्य में काम करते थे, आज वहाँ कई एक फैक्ट्री है। दरअसल वैश्विक मंडी में जब चनपटिया के सभी कारीगर अपने घर वापस आए, तब डीएम कुंदन कुमार ने उन्हें केंद्र की PMIGP योजना के तहत बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन की सुविधा भी दिलवाई। यहाँ के कामगारों ने सरकार की मदद और खुद के हौसले से नई इबारत लिखने का काम किया और अब ये कला विदेशों तक भी पहुँच रही है। साथ में कई लोगों को भी खूब रोजगार मिल रहा है। यहाँ के लोग खूब खुश भी हैं कि अपने ही शहर में रहकर हम सभी को काम और रोजगार मिल रहा है। तो फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव सिटीज। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।